कि जब अच्छा। ऐसे जाता है ना तो पेट में थोड़े बटरफ्लाई से हो जाते हैं। आपने वाली वीडियो देखी है कि बहुत फेमस हुई थी टिकटॉक पे, वो क्लिपी लेके हाँ मैं मारा चौद हाँ वही 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 मैं भी ऊपर वही बात कर रहा था भाई से पायलट का। क्या नाम भाई आपका? मेरा हिमांशु। ठीक है ओके भैया हिमांशु भाई। ओके भाई गाइज मैं हूँ आपका भाई संदीप डागर, आज हम डेट हर्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये देखो भाई पहाड़ों का लुक देखो भाई, बर्फ देख रहे हो, बर्फ बिल्कुल ऊपर तक बर्फ है। तो भाई यहाँ पे कुछ खाना पीना तो मिलता नहीं, बड़ी मुश्किल से एक दुकान मिली है, इस पे थोड़ा खाना मिल रहा है, पराठे वगैरह मिल रहे हैं। तो आपको दुकान के पास लेके चलते हैं, क्योंकि रूम वगैरह पे तो कुछ है नहीं खाने पीने के लिए, छोटी सी स्टॉल मिली है भाई, यहाँ पे पराठे वगैरह मिल जाएंगे, यहाँ पराठे खाते हैं। और भाई रेडबुल के बिना हमारी शुरुआत नहीं होती भाई, सुबह सुबह ही रेडबुल चाहिए हमें। ये देखो गाइज बर्फ तो, और हमारी किया उस तरफ खड़ी हुई है। और ये रहे अपने अनिकेत भाई, ये अपना शूट कर रहे हैं, वैसे ही फोटो क्लिक कर रहे हैं। देखो भाई आगे चलते जाओगे ना मिनी लद्दाख से आने लग जाएगा आपका, ये छोटी छोटी शॉप पड़ जाती है यहाँ पे। चलो गाइज पराठे खाते हैं, आपको पराठे दिखाते हैं, फिर रूम पे चलेंगे, रूम का हाल दिखाते हैं क्या हुआ पड़ा है। पराठा और चटनी, हाथ की बनी हुई चटनी है, और साथ में रेडबुल, चाय वगैरह हम ले नहीं रहे भाई, साथ पराठा खा रहा है। तो टेस्ट कर दे कैसा होता है स्वाद। जी हमारी हाफ फ्राई बन रही है भाई साहब, हमारी हाफ फ्राई बना रहे हैं। और ये ब्रेड है, हमने ब्रेड फ्राई कर ली, ब्रेड का रख दिए, इसमें ब्रेड फ्राई कर रख दिया। ये हमारे गुड्डू भाई है कैमरा मैन, और ये आशीष भाई गर्म पानी पी रहे हैं, वो एडिटर साहब मिल गया। अरे दो भाई लेट रहे अपने कैंडे वगैरह भाई, मस्त बना रहे हो भाई। बिल्कुल गाइस ये देखो अपने रूम का हाल क्या हुआ है, कपड़े वगैरह सब ऐसे पड़े हुए हैं इसमें, इतना रूम ही ऐसे कितने अच्छे मिल जाते हैं कि बस पूछो मत। बट हमारी वो है कि हमें ऐसा रूम भी मिल गया यहाँ पे है भाई जी। भाई हमें मिल गया, बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। चलो भाई बाहर का व्यू देख लो आप, यहाँ से सीधा वो दिखता है भाई, बर्फ ही बर्फ, पहाड़ दिखते हैं सीधा बाहर से। देखो भाई जी ये बर्फ वगैरह है बिल्कुल। हेलो गाइस गाड़ी साफ कर देते हैं अपना, इसी सब इसे सब अपनी गाड़ी साफ करने में कोई बुराई नहीं है भाई, कपड़ा गिर गया, कुछ ज्यादा है, जेड ब्लैक सी है ना भाई, ऐसे ही साफ हो रहा है भाई। और गाइज अब हम निकल रहे हैं अपना स्नो पॉइंट पे, बर्फ पे जा रहे हैं, देखते हैं वहां बर्फ मिलती है नहीं मिलती। अब गाड़ी खुल करते हैं स्टार्ट, लेट्स गो, आ जाओ। तो भाई आपको दिखा देते हैं एक बार सनरूफ में से बाहर निकल के कि कैसा वो कैसा व्यू है और क्या सीन है, बर्फ दिख रही है, गाड़ी का अलग मजा आएगा निकल के बाहर। अनिकेत भाई बाहर निकल के एक बार सारे भाइयों को व्यू दिखा दो अपने, ये देखो भाई पुलिस वालों ने हमें रोका था भाई, और अभी पाए करा है पुलिस वालों ने हमको, और हमारी दोनों गाड़ी का पिछला सीजन जेड ब्लैक है, अभी तक गाड़ी के उसमें तो किसी ने रोका ही नहीं है। वैसे हिमाचल की पुलिस अच्छी इतनी बुरी नहीं है, जो पब्लिक बोलती है कि यार ऐसा वैसा ऐसा, मतलब अच्छी है मेरे हिसाब से, नेचर वाइज अच्छी है, प्यार से बात करते हैं, कोई गलती हो तो भी छोड़ो भाई। ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो चुका है, चलते सीधा स्नो पॉइंट पे। और भाई गाड़ी का फुल टैंक है ये अपना, अभी तो ये 8 की एवरेज दिखा रही है, पता नहीं गलत दिखा रही है कैसे पहाड़ों में है भाई। तो 8 की तो बहुत कम दिखा रही है भाई, दबा के चलाइए। कल किलोंग के लोकल में घूमे हम, अच्छा वहां पे कितनी खड़ी खड़ी चढ़ाई थी। रोड देखो भाई क्या रोड है भाई, अपने वहां भी ऐसे रोड नहीं मिलेंगे देखना। अरे इस रोड पे ना आप 100 की स्पीड पे गाड़ी कैसे भी चला सकते हो भाई, क्योंकि थोड़ा बहुत कटे नहीं तो फिर सामने सीधी रोड आ जाती है बिल्कुल। आज भाई कैसी रोड है भाई, जब से ये अटल टनल बना है ना उसके बाद से तो काफी सुधार कर दिया है, किलोंग बंद हो जाता है अभी। हाँ हाँ बोल रहे थे दिसंबर के एंड में किलोंग बंद हो जाएगा, गोहटू तक मतलब पैर पूरे दब जाएंगे बर्फ से, बोल रहे थे ऐसा कुछ यार। रोहतांग तक ही आ जाती भाई बर्फ, स्नोफॉल वहां तक लगती नहीं साल पे। तो सही है भाई नीचे चौड़ी रोड है, हाँ नीचे पानी चल रहा है, देखो 60 पे तो गाड़ी नॉर्मल चला रही है अपनी यार, अब रेस देंगे तो भाई खूब तेज भी चल सकती है, देखो 80 भी चले गई। तो मजे वाली बात है गाइस,
फुल मजा आए। कभी आप भी आओ भाई, करो एंजॉय भाई आके। गाइस फिर से हम रोहतांग अटल टनल पे आ चुके हैं। ये देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ होती है, पब्लिक यहाँ फोटो खिंचवाती जाती है। देखो बाइक की लाइन दिखा, देखना बाइक की लाइन देख रहे हो गाइस। ये देखो बाइक की बाइक बाइक की बाइक भाई, हम चलते हैं। कल जब आए थे ना तब नहीं थी इतनी भीड़। हाँ आज तो ऐसा हो रहा है। ये आपका रोहतांग टनल है, आगे जाके देखो दिख रहा होगा। अच्छा अच्छा आज वीकेंड स्टार्ट हो गया ना। हाँ ये भी आज वीकेंड स्टार्ट हो गया इसलिए ज्यादा भीड़ है। हाँ। ये देखो बंदों की, हम जा रहे हैं स्नो पॉइंट पे सीधा, आपको बर्फ दिखाएंगे। किया सेल्टोस को बर्फ में खड़ा कर देते हैं आज ले जाके। गाइस हमने गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी अपना नीचे लाके, ये खड़ी होंडा सिटी और ये अपनी किया सेल्टोस है। और आपको नीचे चल के व्यू दिखाते हैं भाई, कितना तगड़ा व्यू है भाई। यहाँ तो कितना मिट्टी भाई, बर्फ है भाई नीचे, पानी इतना चिल्ड होगा तो पूछो मत। यहाँ पे अलग ही सीन है गाइस। वीकेंड डे तो आज भीड़ थोड़ी ज्यादा मिलेगी हमें, ट्रैफिक भी ज्यादा मिलेगा आज हमें। जस्ट आपके सामने रोहतांग टनल है, उसका अंडरग्राउंड जो गुफा 10 किलोमीटर की गुफा है भाई इसके, रोहतांग टनल के ऊपर बहुत टाइम बचता है इससे, बहुत ज्यादा टाइम। और अपने आशीष भाई, इन्होंने अपना ब्लॉग पूरा किया है, चैन वैन लगा रहे भाई, उनको थोड़ी भूख भी लगी, मैगी से खानी है। मजेदार व्यू है भाई, सिस्टम हैंग। गाइस हम स्नो पॉइंट पे आए थे तो यहाँ पे गाड़ियां देखो भाई, लाइन लगी हुई आगे, जितने आगे जाओगे उतनी गाड़ियां दिखती जाएंगी। ये देखो भाई यहाँ जन्नत है असली। ये देखो यहाँ पे भाई बर्फ भी ऐसी जमी हुई है जैसे झरने पे झरना होता ना, इतने झरना आता रहता है उस पर बर्फ जमी हुई। देखो पानी पे देखो ये भाई सब हिमाचल से अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, बाइक लेके आ जाते हैं रेंट पे। टैक्सी नंबर देखो येलो कलर का, ज्यादातर भाई सब टैक्सी गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पे। ये टूरिस्ट आती है ना, दिल्ली की सारी गाड़ी है, हिमाचल प्रदेश दिल्ली। सही है यार, वीकेंड डे पब्लिक एंजॉय करती है, एंजॉयमेंट तो बचती है, बस बचता है क्या लाइफ में। पर अभी तक गाड़ियां देखो भाई, गाड़ियां खड़ी हुई आगे तक देखो भाई, आगे बर्फ भी है। स्नो पॉइंट मेरे ख्याल से यही है, यहाँ भी बर्फ नहीं मिली है, क्या पता और आगे जाए। ये देखो भाई आगे गाड़ियां खड़ी हुई है, बुरा हाल है भाई यहाँ पे भी। उधर इधर की साइड कुछ बर्फ नहीं है भाई पहाड़ों पे, और इधर की तरफ बर्फ ही बर्फ है भाई। पता नहीं क्या सीन है, सर उल्टा सीन है, बर्फ दोनों पहाड़ों पे होनी चाहिए थी, बट पता नहीं इन पहाड़ों के बैक साइड बर्फ मिल जाए आपको। इस तरफ धूप पड़ती है। अच्छा भाई मैं तो भीड़ देख के हो रहा हूँ यार, देखना ये पुल आ गया, पुल पे भी इतना ट्रैफिक, इतनी गाड़ियां खड़ी हुई है देखो सामने की तरफ भाई, हद है। पब्लिक है भाई, क्या है ये हमारे सब हमारी तरह है। मैं तो सोच रहा था 4-5 गाड़ियां होंगी यहाँ पे, तो भाई कम से कम बता रहा हूँ मैं 2000 गाड़ियां हैं प्लस पा देंगे 2000 से भी। चलो कोई नहीं गाइस, देखते रहो वीडियो को एंड तक। तो गाइस हमारा बहुत ज्यादा मन था ऊपर जाने का, बट रास्ता बंद कर रखा है, गाड़ी जानी अलाउड नहीं, सारी गाड़ियां खड़ी हैं। पैदल जाना पड़ेगा, पैदल बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, 5-6 किलोमीटर तो हम जा नहीं रहे ऊपर, और यहाँ पे लाइन भी नहीं, जाम में हम 1 घंटे फंसे रहे थे अभी यहाँ पे। भाई एक बात बताओ, हम तो पब्लिक के लिए आए थे कि पब्लिक को दिखाएंगे कि यार बर्फ में खड़ी करके, लेकिन रास्ता ही बंद कर रखा है। क्या को दिखा नहीं पाए बर्फ में खड़ी करके, यार शिट यार। भाई दिल्ली की बहुत गाड़ियां हैं यहाँ पे, दिल्ली हरियाणा बस यही दो स्टेट घूम रहे हैं। चलो तो गाइस आगे जो कुछ होगा आपको दिखा देंगे वीडियो में फिर।
ये पुराना वाला ही रास्ता है, ये रोहतांग पास आगे जाके बंद हो चुका है। और यहाँ बर्फ देख रहे हो भाई, ये बिल्कुल जमी हुई है। ये होता है झरना, पानी आता रहता है भाई यहाँ से। देखो ये बर्फ जमी हुई है एक तरह की, देखो पुरानी बर्फ है भाई, बट जमी हुई है बर्फ। देखो थोड़ी थोड़ी कच्ची बर्फ भी पड़ी हुई है पहाड़ों पर, ऊपर फटे जमी हुई है ना। और चलो चलते हैं आप आगे की तरफ, रोहतांग अटल टनल चलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। यार देखो आज वीकेंड है तो ट्रैफिक, देखो आपको सामने दिख रहा होगा अटल टनल की गुफा, देवोरी सामने बिल्कुल जस्ट। और ये ट्रैफिक वहीं तक है, देखो नीचे लाइन लगी हुई गाड़ियों की, टनल तक ट्रैफिक है। और हमारी गाड़ी हमारे पीछे भी ट्रैफिक लगा हुआ है। यार आज का दिन साला ट्रैफिक में गया पूरा। कैसा, क्या बोलते आशीष भाई, पहाड़ों में भी ट्रैफिक है यार? बस थोड़ी देर ढंग से गाड़ी चली थी, वहां पे भी ट्रैफिक है, यहाँ पे भी ट्रैफिक है। और साइड वाली रास्ता बिल्कुल खाली आने वालों के लिए, जाने वालों के लिए जाम है। दो ही तो लाइन है, धीरे धीरे चलेंगे अब। चलो ठीक है, तो गाइस वीडियो में बने रहें। गाइस जाम से हम एक घंटे में आए प्रॉपर, और हम आ चुके हैं अटल टनल रोहतांग। अब यहाँ से हम सीधा मनाली की ओर जा रहे हैं भाई। बर्फ वगैरह तो मिली थी बट ऊपर पैदल बहुत चलना था, जाया नहीं गया। तो भाई अंदर यहाँ पे आके एक अलग ही रुकता है भाई, रुकता देखना भाई सीन। 60 यहाँ किलोमीटर, 60 ऊपर हम गाड़ी नहीं चला सकते। और ये देखो इसमें बैक रिवर्स कैमरा चलाया हुआ, बिल्कुल क्लियर भाई। ट्रैफिक से निकलने में हमारी हेल्प सुमो ने की थी, जो सुमो पीछे आ रहे, थैंक यू भाई सुमो। मैंने कहा आशीष भाई को, आशीष भाई साइड साइड दूसरी साइड से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आशीष भाई थोड़े घबरा रहे थे, रहने तो बेकार है, और भी गाड़ी थी। क्या बोलना चाहोगे? देख बात घबराने की नहीं है, अब मेरी बात सुनना। ये हमारी दो गाड़ी है, एक वही है अभी भी, एक वही है ना भाई। दिमाग के ऊपर बात है, उन्होंने दिमाग नहीं चलाया, हमने दिमाग चला दिया। मैं तुम्हारी बात से एग्री कर गया, लेकिन पहाड़ों में ऐसा करना नहीं चाहिए भाई। जब 20 गाड़ी हमारे सामने से निकल के जा रही तो हम 21 गाड़ी फंसा दे तो क्या दिक्कत है भाई, एक गाड़ी से क्या हो जाएगा। चलो कोई नहीं, ठीक है जैसे भी था, निकल आए बस। हाँ अब खुश हो? नहीं है खुश बिल्कुल, हम तो एक घंटा पहले, उनसे एक घंटा आगे हो गए हम बस। तो जेन्युइन वाली बात क्या करो। ठीक है, तो गाइस ये पूरा 10 किलोमीटर का टनल आपका रोहतांग टनल। तो गाइस हम आ चुके हैं सोलान वैली, देख रहे हो आप, यहाँ पे पैराग्लाइडिंग वगैरह सब कुछ होती है। और ये खिच्चर से तो बैठ के ऊपर जाएंगे, वो थोड़ी ऊपर से होती है, बिल्कुल हाई से वहाँ से। तो हम छोटी वाली करेंगे पैराग्लाइडिंग, और चलते हैं भाई पैराग्लाइडिंग करने, एक न्यू एक्सपीरियंस लेते हैं पैराग्लाइडिंग का। आशीष भाई पैराग्लाइडिंग आप करोगे? मेरा भांजा करेगा मेरी। अच्छा आप नहीं करोगे? हम तो करेंगे भाई, देखते क्या सीन होता है। चलो भाई लेट्स गो। यार हम आए हुए हैं यहाँ पे पैराग्लाइडिंग करने के लिए, बट यार वेट ज़्यादा होने क्योंकि हवा तो यहाँ पे चल रही है, तो 94 किलो का बंदा यहाँ पे अलाउड नहीं है, मतलब कि वो नहीं कर सकता पैराग्लाइडिंग। 85 किलो का बंदा कर सकता है, लास्ट लिमिटेड है, क्योंकि हवा चलेगी जब 100-150 किलो का बंदा आराम से कर सकता है उस टाइम पे। तो यार हम तो रह गए भाई, मैं आशीष भाई और हिमांशु भाई तीनों रह गए, भांजा गया हुआ है करने के लिए। हम आपको दिखा देंगे उसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है, और वीडियो बना लेंगे उसकी, सब देख लेना। क्रिकेट की, क्रिकेट खेल सकते हो वहाँ पे आराम से, मजा आ जाएगा क्रिकेट खेल के। देखना क्या मौसम है, क्या ये है, सेक्सी सीन वो पड़ा है बिल्कुल। ये देख रहे हो आप ऊपर कितनी हाइट पे बंदा है भाई, हमारी तो वैसे ही फट जाती देख के। क्या होगा, ठंड वैसे है, कुल्फी जम जाएगी ऊपर। भाई अपना भाई पैराग्लाइडिंग करके आ चुका है, कैसा लगा भाई? बढ़िया मस्त, मजा आ गया। तो भाई आपने वीडियो बनाई होगी अपनी? बनाई है, तो मेरे को सेंड करना, मैं अपलोड कर दूंगा। और कैसा लगा भाई, एक्सपीरियंस कैसा था? मस्त था यार, मगर डर लगेगा, पर कुछ डर वगैरह कुछ लगा नहीं ना, ज्यादा भागना था, थोड़ा सा ही भागना। अच्छा एक बार तो आपने रेत से उड़ा दिया वहाँ पे है? रेत उतरते वक्त डर नहीं लगा था ना, 1% भी ना, मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे गिर गया हो। हाँ वो एक बार हुआ था जब। चलो कोई नहीं गाइस, भाई को मजा आया, भाई की वीडियो आपको हवा में नहीं करे तो रगड़ाए दे, अपलोड कर दूंगा भाई की वीडियो, देख लेना पैराग्लाइडिंग की। भाई थी वो कैस दे रहे हो नहीं दे रहे हो आप? दे रहे भाई। अच्छा इसमें मेमोरी कार्ड में? हाँ फोन में मिलेगा ये। अच्छा तो कितना चार्जेस का? इसका 300। अच्छा GoPro से बनाई है? अच्छा तो भाई यहाँ पे कितने पायलट वगैरह है, मतलब यहाँ पे मेरे को लगता है कम से कम 1000 पैरासूट तो उड़ जाते होंगे सुबह से लेके शाम तक। नहीं नहीं फिर इतने 200-300। 200-300? हाँ जी भाई, पागल बना रहा है क्या वो भाई? आज मजे ले रहे हो? मजे क्या लेने आजकल ही है।
अच्छा तो भाई हम तो ये सोच रहे थे भाई का, आशीष भाई का कहना था 50,000 उठ जाते, आशीष भाई बोले थे 50,000 उठ जाते, तो मल्टीप्लाई कर, किसको मल्टीप्लाई करो बताओ, 200-300 राइड है डेली की, आपने एक दिन की 50,000 बोले थे, मैं नहीं 50,000 रुपए बोले थे वो तो मैंने बोले हाँ। थे वो रुपए की बात हो रही थी, तो भाई भांजे की क्लिप ले रहे हैं, तो गाइस वीडियो में बने रहे, देखना भांजे की क्लिप, गाइज अपने भैया ने भी अभी राइड किया, तो कैसा लगा आपको, कैसा फील हुआ भाई? जी बहुत मजा आया जी, बहुत, तो आप बता रहे थे पेट में गुड़ी गुड़ी सी हो गई। अरे उन्होंने वो वाला स्लिंग करा थोड़ा, अच्छा तो मुझे ना हाइट से थोड़ी दिक्कत है कि जब अच्छा। ऐसे जाता है ना तो पेट में थोड़े बटरफ्लाई से हो जाते हैं। आपने वो वाली वीडियो देखी है, बहुत फेमस हुई थी टिकटॉक पे, वो क्लिप लेके क्या नाम भाई आपका? मेरा हिमांशु। ठीक है ओके भैया हिमांशु भाई, ओके भाई। हम आ चुके हैं राइडर कैफे के अंदर, तो हमारे सामने आशीष भाई, हिमांशु भाई और अपने अनिकेत भाई बैठे हुए। तो भाई क्या क्या ऑर्डर कर दिया आपने? अभी तो कोल्ड कॉफी करी है, पर यार हम भी कैसे यार, सर्दी में भी कोल्ड कॉफी पी रहे हैं आके। ये हम अलग ही यूनिक टाइप के बंदे, अलग ही है बिल्कुल। और चिकन सैंडविच है, वेज सैंडविच है और चिली चिकन है बस। अच्छा जी, तो बहुत आइटम अपना। चलो दिखाते हैं, जब लग जाता रेडी होता देखना भाई। कोल्ड कॉफी तो आ चुकी, मेरे तो नॉर्मल है, और भाइयों की मतलब बहुत ज्यादा मीठा लेते हैं भाई आशीष भाई इनकी। और भाई चिली चिकन आ चुका, दो सैंडविच और है, सैंडविच में भी थोड़ा टाइम लग रहा है, चिकन सैंडविच एक वेज सैंडविच है। गाइस देख रहे हो हमारे सामने चल रही है मारुति 800, तो भाई आप देख रहे हो इसमें कितने बंदे बैठे हुए, कम से कम 10 बंदे बैठे हुए। मारुति 800 ने छोड़ दिया स्कॉर्पियो फॉर्चूनर को पीछे, कर दिया फेल। देख रहे हो टैलेंट मारुति 800 का भाई, भाई हिमाचल प्रदेश है, कुछ भी हो सकता है, अलग ही सीन है भाई। बीड़ी बाड़ी चल रही है भाई ताऊ की, देखना आंटी जी साइड में बैठा रखी है, क्या मूवमेंट है यार भाई, मजा आ गया देख के भाई। किया को भी कर दिया फेल, किया में बस 4 बंदे, मारुति में 10 बंदे भाई। सलाम है 800 मारुति को। फाइनली हम आ चुके हैं मनाली, टाइम हो रहा है आपका 6:05। ये ऊपर जा रहा है रास्ता माल रोड के लिए, ये अपना नीचे जा रहे हैं हम कुल्लू मनाली के लिए। तो गाइस वीडियो देख ले, धन्यवाद, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और ऐसे प्यार बनाए रखो भाई।